नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता चुनाव के आखिरी दिन, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पहुंची है बसपा प्रत्याशी बबीना विधानसभा से दशरथ सिंह राजपूत। नन्ना, कहा है कल का गर्दा उड़ा दो चिरगांव में? नहीं, गर्दा उड़ाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं में ही गुस्सा इतना है कि वो अपने आप में, वो खुद ही इसके लिए सक्षम है और वो अपने आप ही इकट्ठे होकर के, हम तो अपने 10-15 लोग लेके गए थे यहाँ से, जैसे ही वहाँ देखा तो पहले से ही लोग वहाँ इकट्ठे थे, हमारे सारे कार्यकर्ता जुड़ते हुए चले गए, तो मतलब वो हमको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 500-700 कारें, 250-250 ट्रैक्टर और इतनों आदमी। ये भैया, सब कार्यकर्ता अपनी अपनी व्यवस्था से आए थे, अपना अपना सामान लेके आए थे, मैंने किसी को नहीं बुलाया था। हाँ, मैंने तो ये कहा था कि कल रैली है भैया, जनसंपर्क में चलना है। हाँ, तो बोलो, सब अपने अपने साधन से आए हुए थे। हाँ, मैं तो अपनी 4-5 गाड़ी लेके चला गया था। लग तो ऐसा रहो तो जैसे स्वयं मायावती जी आ गई हो रोड शो कर, इतनी जनसैलाब। देखिए भैया, देखिए, सुनिए, ये तो प्रत्याशी का जनसंपर्क था। हाँ, जिस दिन हमारी बहन जी आ जाएंगी, हाँ, वहाँ तो गर्दाओं का धूल के अदर बजे ही बंद हो जाएंगे, लोग बागों की जगह नहीं बचेगी। नन्ना, आखिरी दिन है आज चुनाव प्रचार को, 6-7 घंटा बच्चे प्रचार के लाने, क्या कहने आपको बबीना विधानसभा की जनता से? देखो, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि हर पार्टी से पढ़े कोई ना कोई उनका बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता, दिग्गज नेता, पीएम से लेकर सीएम तक, सारे के सारे दौड़ लगा रहे हैं। और घंटों रैली जा करके, मैंने तो ये भी देखा गया है कि हमारे यूपी के सीएम महोदय नुक्कड़ सभा तक उतर गया है, नुक्कड़ सभाओं में काम करने लगे हैं। एक सीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ करके एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की वो उमाजी हैं, नेता नहीं, आज फिर उनका साथ सुना है मैंने कि वो छामल कार्यक्रम लगा हुआ है। अब देखिए, जो अकेले बबीना सीट के लिए 5-5 बार उनको आना पड़े, ये तो बड़े शर्म की बात है लोधी समाज के लिए भी, क्या उनको ऐसे आने के लिए आ रहे हैं। जिस हम दीदी की एक आवाज में प्रशासन हिलता था, आज वो घर घर जाकर के उनकी जी हालत करती भारतीय जनता पार्टी ने, क्या उनको घर घर घुमाया जा रहा है। और यहाँ एक किसान का बेटा, राजपूत का बेटा, केवल कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ रहा है, कुछ साथ कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारा कोई नेता नहीं आतंक मीटिंग करने आया, ना एक जनसभा हुई है, तब भी कार्यकर्ताओं के बल पे नन्ना करारी सब पैवारी, ये कार्यकर्ताओं की बात है। उमा भारती जी आ जा रही है, मीटिंग कर रही है, सभाएं कर रही है, रक्षा में भी करी, फर्क पड़ा है राजपूत समाज पे, कितना फर्क पड़े उनको? ऐसा है, राजपूत समाज हमारा अनपढ़ नहीं रह गया है। वो तो उमा जी को यहाँ इसलिए ला रहे हैं कि जो कुछ इनमें बची खची, जो इनकी इज्जत है, वो और खत्म हो जाए। हाँ, इसलिए लाया जा रहा है उनको। आप ये बताइए, एक सीट के लिए लाने के लिए 4-4, 5-5 बार प्रयास क्यों किया जाता है उनका? और वो क्योंकि क्या है, भारतीय जनता पार्टी की है, उमा भारती जी जो है हमारी दीदी जी, वो भारतीय जनता पार्टी से है, ना कि समाज से नहीं है वो जी, समाज से नहीं है जी। अगर समाज की होती, समाज में काहे के लिए विद्रोह करने आती वो भारतीय जनता पार्टी से है जी। तो भारतीय जनता पार्टी हमारा विरोधी दल है जी, हम बसपा से लड़ रहे हैं, भाजपा से लड़ रहे हैं, हम कोई मतलब नहीं उससे, हमारा ना वोट जा रहा है ना हमारा सपोर्ट जा रहा है कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बात की हमसे बंगली वार्ता से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है बसपा कार्यालय जो बनाया गया है, दशरथ सिंह राजपूत से हम लोगों ने बात की, जाना क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ युवाओं में अच्छा उत्साह है, कल जो बबीना विधानसभा के चिरगांव में रैली थी, उसमें कम से कम 700-800 कारें और कम से कम 250 के आसपास ट्रैक्टर थे, इतना जनसैलाब था कि कैमरे में कैद होना नहीं हो पा रहा था, इतनी तस्वीरें, इतना भौकाल। कहीं ना कहीं जिसको जो विपक्षी दल है तीसरे नंबर का प्रत्याशी मान रहे थे, चुनाव आते आते, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में है। आम लोगों को क्या लग रहा है, अब कांटे की टक्कर में कौन होगा? दशरथ नन्ना कांटे की टक्कर में कोई नहीं है। हाँ, कौन कौन दूसरे नंबर पे, को क्या रहेगा, किस किस में फाइट रहेगी? अब फाइट का कोई सपा फाइट नहीं है, क्या दूसरे नंबर पे सपा है, नन्ना से किसी की टक्कर नहीं है, नहीं है किसी की। आपके हिसाब से हमारे नन्ना अच्छी वोटों से जीतेंगे, कम से कम 40,000 वोटों से। हाँ, आपके हिसाब से किसे टक्कर रहे? दशरथ नन्ना जीतेंगे, टक्कर में कोई नहीं है, दशरथ नन्ना की टक्कर में। साथ लगे हैं, टक्कर कोई नहीं, पहले नंबर नन्ना, पहले नंबर पे हमारे करेंगे। चाचा, हमारी लड़ाई
हम लोग जीत चुके हैं। अब भाजपा और सपा को तय करना है कि नंबर दो पे किसको रहना है। हम लोग जीत चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में। और कल की जो चरगांव में रोड शो था बसपा प्रत्याशी का, उससे कहीं ना कहीं हवा बदली है, अचानक से हवा बदली है। जिसको विपक्षी दल अब तक तीसरे नंबर का प्रत्याशी बता रहे थे, वो आज कांटे की टक्कर में है। वो कहीं ना कहीं दो दल संकट में है, कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। यहाँ बबीना विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला बनता जा रहा है। यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 2.5 लाख वोट पड़ेंगे इस विधानसभा में, जिसमें से एक तिहाई वोट से ज्यादा दशरथ सिंह राजपूत को मिलना बताया जा रहा है। ये तस्वीरें कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कांटे की टक्कर यहाँ बसपा सपा और भाजपा में बिल्कुल कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ये चाचा है, चाचा आपको कैसा लग रहा है? हमको ये लग रहा है कि हम बहुत बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जी। बहुत बहुत कम से कम 50,000 से ऊपर की जीत हमारी होगी जी। आज बबीना में भी रोड शो है? बबीना में भी हमारा रोड शो होने जा रहा है। क्या तैयारी है रोड शो की? बहुत तैयारी तो आपके सामने आ जाएगी। आपको जब आप चिरगांव का भी रिकॉर्ड टूटेगा क्या? चिरगांव से भी ज्यादा, चिरगांव से भी ज्यादा, कई कई गुना ज्यादा टूटेगा। टूटेगा चिरगांव का क्या लगता है तुम्हें? चिरगांव से भी ज्यादा रैली होगी आज? हाँ, ये देख सकते हैं आप, चिरगांव से भी बड़ी यदि रैली देखनी है चिरगांव से भी, तो बबीना आ जाइए। आज बबीना में दशरथ सिंह राजपूत जो हैं बसपा प्रत्याशी बबीना विधानसभा के, उनका कहीं ना कहीं आखिरी दिन, शक्ति प्रदर्शन समझ लो या रोड शो, लेकिन कहीं ना कहीं बबीना विधानसभा में भौकाल मचाने वाला है उनका रोड शो। देखने लायक होगा उनका रोड शो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।